सर ये आवाज तो अब करते हैं, ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। सर ये जीएसटी की मीटिंग में तो जाते हैं, वहाँ पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियाँ लेकर खड़े होते हैं। ये पता चलता है सर इस पे क्या है। 100 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों ने लगाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते थे, कुछ लोग सर आज जीएसटी को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन वहाँ पर मीटिंग में इनके लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोले सर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तीर्थ यात्रा और धार्मिक मेले जैसे गतिविधियों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी, माननीय मोदी जी के पर्यटन बहुत आगे आज बढ़ गया है। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो हम काफी आगे बढ़ जाते। जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको विवरण देना चाहता हूँ। हमने अभी तक जो मेलों और त्योहारों को 2021-22 में धनराशि इस ऑर्डर में है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं ले सकता। अगर सारे सदस्य अपनी सीट पर जाए तो मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले सकता हूँ। उसमें मिजोरम इफ ऑल मेंबर्स गो बैक टू देयर सीट आई विल टेक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अदरवाइज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश 50 लाख, मेघालय 50 लाख, चंडीगढ़ 30 लाख, नागालैंड 30 लाख, सिक्किम 50 लाख, उत्तराखंड 50 लाख, अरुणाचल प्रदेश सभी लोग अपनी सीट पर जाए मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डर में नहीं सुना जाता, ये माननीय मेंबर बड़े सीनियर है। हिमाचल और हरियाणा सूरज को प्लीज अपने सीट पर जाइए, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा। गया प्लीज, जो माननीय सदस्य दूसरी सीट पर बैठे वो भी अपनी सीट पर चले जाए एज पर रूल्स प्लीज। जो 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 सदस्य दूसरी जगह बैठे वो अपनी सीट पर जाए प्लीज। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा, मैं सुनूंगा। मेरा यस यस पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आई वांट टू टेल यू फर्स्ट, पहले आप प्लीज 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 अपनी अपनी सीट पर बैठे, प्लीज आपस में बात न करें, प्लीज अपनी सीट पर बैठे। त्रिचू शिवाजी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, आई एम गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी, पर प्लीज सीट, प्लीज सीट, प्लीज टेक। हम मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं आपको सेकंड, आता हूं प्लीज। नहीं, त्रिचू शिवाजी, त्रिचू शिवाजी, यस टेल सर। माई सेल्फ एंड संजय अजय एंड मेनी अदर्स हैव गिवन 267 नोटिसेस to suspend the proceedings of the house and discuss the issue of price rise in petroleum products and the essential commodities. No ruling was given this morning. Please, I'm not going back. Chairman has made clear, and no point of order for your information in question hour. No ruling was given. I will go as per rules, Shivaji. There is no provision of point of order in question hour. Please be seated. No, sir. मंत्री जी प्लीज आप कुछ कहना चाहिए। सर तिरुचि शिवा चेयर पे बैठते हैं, सबसे सीनियर सांसद है, क्वेश्चन आवर में कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया ही नहीं जाता। दीपक जी आपका सवाल, सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्रालय को बधाई भी देना चाहता हूं, उन्होंने खूब अच्छा और बेहतर काम किया पूरे देश के लिए, लेकिन सर झारखंड जो 16 राज्य दिखाए गए हैं उसमें झारखंड का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें झारखंड के लिए भी एक समुचित राशि का उसमें आवंटन किया जाए। पर्यटन विभाग के पास जब भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जॉन बेटास योर सीनियर मेंबर प्लीज डू नॉट टेक पिक्चर्स, हाउस के अंदर वीडियो बनाना तस्वीर लेना गलत है, प्लीज डू नॉट डू इट। धाम में अभी इतना बड़ा एयरपोर्ट का सुबह प्रियंका जी आप अपनी सीट पर रही है तस्वीर ले रही है गलत है। प्रियंका चतुर्वेदी जी के तहत प्रियंका चतुर्वेदी जी प्लीज डू नॉट टेक पिक्चर्स, ये नियम नहीं है प्लीज। अपनी सीट पर आप जाए, अपनी सीट पर जाए वापस, आप दूसरी सीट पर बैठिए। दो बहुत बड़े हॉल बन रहे हैं,
और जलसार तालाब का विकास होना है, शिवगंगा तालाब का विकास होना है। इस तरह से झारखंड के बारे में जब भी कोई प्रपोजल आता है या किसी भी प्रदेश के बारे में आता है उस पर तुरंत विचार किया जाता है। अयोध्या रामी रेड्डी, माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मेरा एक सवाल था कि जो हमारे यहाँ पीने का पानी में बोतल और दूध में भी इस्तेमाल पानी की प्लास्टिक की जो थैलियाँ इस्तेमाल करी जाती हैं और जो प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल करे जाते हैं, ज्यादातर देखा होगा जो इवेंट होता है कोई भी मेला ऐसा होता है तो तमाम तरह की वहाँ बोतलें देखी जाती हैं वहाँ पर है, तो उनके लिए भी कुछ आप लोगों ने जो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगी कि इनके बंद करने का भी कुछ ऐसा भी कोई प्लान है कि आगे जो पानी की बोतल है जो बाजारों में बिकती हैं कि वो कांच की बोतल में उपलब्ध हो, जो पर्यावरण से भी बहुत राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में जो प्लास्टिक ऐसा है जो जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, जिसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता और 75 ml से कम है उसको अभी बैन किया गया है और जो 120 ml का है वो 31 दिसंबर से बैन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पानी की प्लास्टिक बोतलें हैं, जो ब्रांडेड बोतलें हैं, उनके लिए EPR पॉलिसी लाई गई है। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसिंग जो लाइबिलिटी है इसके अंतर्गत जिनके द्वारा उनको निर्मित और उत्पादित किया जाएगा उनको पुनः संग्रह करके देना होगा और वो गाइडलाइन और रूल भी लागू कर दिए हैं। माननीय सदस्य को भी मैं वो रूल की कॉपी उपलब्ध करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीमती मौसम लोर। और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर फेक अकाउंट्स बनाकर कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की छवि को, भारत की स्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार तंत्र चल रहा है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है? माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दे। माननीय उपाध्यक्ष जी, 200 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों ने लगाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते थे, कुछ लोग सर आज GST को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर मीटिंग में इनके लोग वहां पे कुछ नहीं बोले सर, ये सर ऐसी खबरें। दूसरा सर अग्निवीर बोल रहे थे सर, देश में अंधेरी करवाने का काम कुछ लोगों ने करवाया, लेकिन सच्चाई है सर लाखों युवाओं ने प्रतिवेदन किया है सर, लेकिन सर मैं अखबार ब्रीफली, माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दें कि सच्चाई देश के सामने आए और सर हम प्रयास करते हैं कि अखबार हो, चैनल्स हो या ऑनलाइन चैनल्स हो सर, वो सच देश के सामने लाए, कानून के अनुसार हमें जो करना है सर हमको, माननीय मंत्री जी, लेकिन सर हम सबका प्रयास ये रहेगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो झूठ का प्रोपेगेंडा ना करे और अखबार के पत्र भी उनको या TV चैनल भी उनको उस तरह से प्राथमिकता ना दे, सच देश के सामने जाए, ऐसी हमारी प्राथमिकता सदा रहेगी सर। क्वेश्चन नंबर 58, माननीय जॉन ब्रेकर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, 58